शेरवाली मदेवे नोरिया जिसके ऊपर माता भगवती की बहुत अच्छी कृपा थी, लेकिन वो कैसा था राजा, कैसे उसके ऊपर कृपा थी माता रानी की, जैसे वो पीछे भगत बैठे हैं। कहीं भी सत्संग कीर्तन होता था, वो भगत जो थे सबसे पीछे बैठ करके वो राजा माँ का कीर्तन सत्संग सुना करता था। लेकिन अपनी नैनों की जोत जो थी इस माता रानी की जोत से मिलाकर के बैठ जाया करता था। एक दिन ऐसा चमत्कार माता रानी का हुआ कि माता रानी की पूरी नजर जो थी
अपने पूरी संगत के ऊपर थी, लेकिन उस भगत के ऊपर भी थी जो पीछे बैठा था। जब पूरी संगत के बीच में मां ने नजरें घुमाई, लेकिन नजर घुमाकर ने देखा सारी संगत में से सिर्फ एक भगत ऐसा था जिसकी नजर जो थी मां की नजरों से मिले बैठी थी। मां ने कहा, बेटा बस तेरी इसी भक्ति से मैं खुश हूं, क्योंकि तू मेरे चरणों में जब से बैठा है ना एक मन करके बैठा है। मां ने कहा, बेटा ये जितने भी संगत बैठी है ना सबके बारे में मैं जानती हूं, ये ना सोचना कि मेरी दो आंखें हैं कि मैं तुझे तुझे देख रही हूं, इन दो आंखों से मैं पूरे संसार को देख रही हूं, चाहे तू इधर बैठा है उसको भी दोनों आंखों से देखती हूँ, इधर वाले को भी देख रही हूँ उसको भी सबको दो आंखों से देखती हूँ, लेकिन इसके मन में क्या है बेटा, तेरे पास सवाल नहीं है, जाओ आज से ठीक 9 महीने के बाद तेरे घर में एक नहीं 2 संतानें पैदा होंगी, लेकिन जब तक सूत सच्चे दरबार की, जब इतनी बात कही जागरण से मां का प्रसाद लेकर के, उस कीर्तन से मां का प्रसाद लेकर के अपने घर में चला जाता है, लेकिन घर में जाकर के ऐसी कृपा माता रानी की होती है कि ठीक 9 महीने बाद उस राजा के घर में एक नहीं 2 संतानें जन्म लेती। राजा ने खुशी खुशी में राजपुरोहित पंडित बुलाकर के दोनों लड़कियों की जन्म कुंडली बनवाई। आज कुछ कल कुछ जब बड़ी अवस्था में हुई, जवान अवस्था में जाने लगी, एक दिन अपने पिता से जिद करने लगी कि पिताजी जैसे आप इस माता रानी की सेवा करते हो ना मां के मंदिर में जाकर के, हम भी सेवा करेंगे, और जैसे आप व्रत रखते हो हम भी व्रत रखेंगे। हुआ क्या, जिस दिन राजा को मां के नाम का व्रत रखना था ना उस दिन एकादशी थी, उस एकादशी के दिन राजा ने मां का व्रत रखा, उन दोनों लड़कियों ने भी मां के नाम का व्रत रख लिया, लेकिन राजा ने सोचा कि ये 2 कन्याएं हैं छोटी छोटी, इनको क्या पता है व्रत के बारे में। राजा ने अपनी जेब से पैसे निकाल करके अपनी दोनों बेटियों को दिए। जब दोनों बेटियों को पैसे देकर के आप मंदिर में चला गया, पीछे पीछे दोनों बेटियां वो भी को कहती है, बहन कि मैं जब तक मंदिर में मां की मूर्ति को स्नान कराती हूँ, मंदिर को साफ करती हूँ, तब तक तू ऐसे कर इस बाजार में जाकर के फल दे के आ। दोनों बहनें बैठ इतनी बात कहकर के रुक्मण जो थी बाजार में चली जाती है, तारा जो होती है मंदिर में आकर के मां की मूर्ति को स्नान कराती है, लेकिन रास्ते के बीच में एक मांस की रेड़ी पर पकौड़े बन रहे थे मांस के, मन में आया रोक समय पता लगेगा ना, मेरे पिता को पता लगेगा ना बहन को पता लगेगा मां को क्या पता लगेगा, लेकर के खा लेती है, और तारा के पैसे के फल लेकर के तारा के पास जब चलने के लिए जाती है तो मंदिर के बिल्कुल सामने वो रुक्मण खड़ी हो जाती है। अंदर से आवाज आती है रुक्मण के कान में, रुक्मण इस मंदिर में प्रवेश ना करना, इससे आगे पैर न रखना, बाहर हो जा खड़ी। ऐसे लग रहा था रुक्मण को जैसे कुछ सच में बोल रहा है, लेकिन साथ में ही तारा को कहा, मां ने बेटी इस अपनी बहन को बोल के मंदिर में प्रवेश ना करे, इसने मांस खा रखा है मेरे व्रत में। तारा ने सोचा कि तेरी आवाज कानों में कैसी आ रही है, मेरे को कौन बोल रहा है कि इसने मांस खाया है, यहां तो कोई है नहीं, लेकिन मां की मूर्ति बोल रही थी। जब तारा ने जाकर रुक्मण से कहा, बहन आ गई, कहने लगी हाँ बहन, बहन ने अपने पैसे का फल दे दो। वो फल लेकर के तारा जो है मां की मूर्ति पे जाकर के मां की मूर्ति के चरणों में अपने फल रख लेती है। जब फल मां की मूर्ति के आगे रखा तो क्या बन गया, प्रसाद, जो हम केले सेब लेके आते हैं दुकानदार से उसको यही बोलते हैं ना कि भाई साहब सेब देना 2 किलो केले देना, लेकिन कभी भी मां के मंदिर में किसी भी मंदिर मस्जिद में आप लोग जाओ, जब वो फल जो है ना वो केले सेब जो है देवी देवताओं के चरणों में रखे जाते हैं तो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। जब रुक्मण से लेकर के फल तारा ने जो थे मां की मूर्ति के सामने रखे, और मां की मूर्ति के सामने रख करके रुक्मण से कहने लगी, बहन एक बात बता, ये तो मेरे पैसे का फल है, तेरे पैसे के फल कहां है,
कहने लगी बहन मुझे भूख लग रही थी, मैंने उन पैसों के फल लेकर के खा लिए। लेकिन तारा के कानों में आवाज आ रही थी माता रानी की कि तेरी बहन झूठ बोल रही है, इसने फल नहीं खाया, इसने मांस खाया। लेकिन मैं इसको श्राप देती हूँ रुकमन, तारा तेरी बहन को मैं श्राप देती हूँ कि इसका अगला जन्म जो होगा एक नीच चुनी में होगा, ये सारी जिंदगी मांस खाती रहेगी, बोल सच्चे रवार की। लेकिन तारा ने माँ से कहा, माँ ये मेरी छोटी बहन है, इसको श्राप ना दो। लेकिन जब ये कहा ना कि श्राप ना दो, तो माँ ने कहा बेटी इसको तो मैंने दे दिया, मैंने मुख से वचन निकाल दिया, अब तुझे भी देती हूं कि जब तक दुनिया में सूरज और चांद रहेगा तारा, जब तेरा नाम जो है मेरे साथ साथ रहेगा उस सच्चे दरबार की, क्योंकि तू मेरी सच्ची भक्त हो। मां के चरणों से फल उठा करके उस तारा ने उसको आधा आधा बांट करके अपनी बहन को दिया। जब बहन को फल दिया, बहन ने फल खा करके कहा, तारा ये मुझे क्या हो गया है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मुझे तो इससे जो मेरे शरीर में जो हो रहा ना हलचल, इसको छुटकारा पाने का तरीका तो बता। तभी माँ की आवाज आती है, रुकमान ऐसे तेरा छुटकारा नहीं होगा, अब तो तुझे चिपकली जूनी में जाना होगा। लेकिन फिर भी यदि चिपकली जूनी में जाकर के तू मांस खाती रही, यदि तूने पुण्य का काम ना किया तो इसी जूनी में सदा के लिए तो रहेगी, बोल सच्चे अग्रवाल कि बहन ये कैसी आवाजें मेरे कानों में आ रही है। कहते कहते आज कुछ कल कुछ तारा जो थी माँ की सेवा करते करते दूसरे जन्म में जो थी इंद्रलोक की परिक्रमा, और वो रुक्मन उस माता के श्राप से एक छिपकली जूनी में चली जाती है, जो दीवारों पर लगी हुई कीड़े मकोड़े खाकर के पेट में गुजारा कर रही थी। लेकिन उस टाइम में द्वापर युग आता है, कौन सा युग आता है, द्वापर युग। लेकिन उस द्वापर युग में आपने सुना होगा कभी पांच पांडव हुए, किस किसी ने सुना, जरा हाथ खड़ा कर, सभी ने सुना पांच पांडव हुए। वो पांच पांडव जो थे कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करते करते युद्ध विराम करने के लिए उन पांडवों को 12 साल का वनवास दिया गया। जब 12 साल का वनवास पांडवों को दिया, वो पांडव जो थे अपना वनवास भोगने के लिए शिवालिक पहाड़ियों पर चले जाते हैं। चलते 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 कहां पहुंचे, मां वैष्णो के दरबार कटना पर्वत पर। उस जगह पर पहुंच करके पांच पांडवों को 5 साल हो गए रहते हैं, लेकिन जहां भी देखते राक्षस के राक्षस पर बैठ करके काली मां जो थी ऊपर बैठ करके दुश्मन की छाती में वार किया करती थी। लेकिन अर्जुन की जीत होती थी और उनकी हार होती थी। उस मां को ख्याल आया कि वाह वो मेरा भगत जिसको मैं 5 साल से भूले बैठी हूं, आज मेरा मन कर रहा है कि अपने अर्जुन का मैं दर्शन करके आऊं। उस अर्जुन का दर्शन करने के लिए मां जो थी ये काली मां एक कंजे का रूप धारण कर लेती है, छोटी सी कंजे का धारण करके कंजे का रूप अर्जुन के सामने जहां पर अर्जुन रहता था आकर के खड़ी हो जाती है। अर्जुन देख करके उस कंजक रूपी छोटी सी कन्या को बेटी कहकर के आवाज लगाता है, बेटी तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, तू कहाँ रहती है। लेकिन मां के मन में गुस्सा आ रहा था, वाह अरे अर्जुन बेटा तुझे दर्शन देने आई तो मुझे बेटी बोल रहा है। जब अर्जुन ने एक बार में पलक छप करके ऐसे देखा तो मां ने अपना पूरा बराट रूप दिखाया, देख करके पूरा बराट रूप अर्जुन जो था मां के चरणों में गिर गया, बोल सच्चे दरबार की, और कहने लगा, हो मैया तू कहां बैठी इन पहाड़ों में। अर्जुन कहने लगा, मां तू कहां बैठी है इन पहाड़ों में, ओ मैंने ढूंढा है मंदिर शिवालों में दादी तू कहां बैठी इन पहाड़ों में।
देख करके माँ का रो परचम जो था माँ के चरणों में गिरता था। लेकिन आज मुझे 12 साल का वनवास दिया गया, इस घने जंगल के बीच में राक्षसों के बीच में भी आकर तुम मुझे दर्शन देने आ गई माँ, मैं तेरा शान कहाँ दे सकता हूं। लेकिन माँ ने कहा बेटा कितने साल हुए तुझे वनवास के, 5, अभी कितने हैं, कहने लगी 7, जा बेटा पूरे 12 साल में तेरे अंग संग रहूंगी बोल सच्चे दरबार की, लेकिन अंग संग रहूंगी क्या, इसी वैष्णो देवी कटरा पर्वत के ऊपर मेरा एक रूप रहता है पिंडी रूप में, इस पिंडी रूप के बीच में बैठ करके मैं तेरे अंग संग रहूंगी, तो कहीं भी चले जाना जा, तेरा कोई बार बांका नहीं करेगा। मां यदि तू 12 साल मेरे अंग संग रहेगी ना, जा तेरे किसी कटड़ा पर्वत के ऊपर तेरा मंदिर हम बनाएंगे, उस मंदिर के बीच में भी जोत हम जगाएंगे, भंडारा भी हम देंगे बोल सच्चे दरबार की। माँ ने खुशी खुशी में कहा बेटा यदि तेरे मन में इतनी श्रद्धा है ना, तू जा कहीं भी चला जा, तेरे अंग संग होंगे बोल सच्चे दरबार की। वो 5 पांडव जो थे उस वैष्णो देवी पर्वत से चलते चलते कटड़ा पर्वत चलते हुए हमारे इधर मोरनी से थोड़ा आगे समलासन माता का मंदिर है, समलोठे वाली माता, सुना किसी के ताल सुने किसी ने सुने, लेकिन आज मैं आपको सुनाता हूं। एक तो मोरनी बाजार में चला जाता है रास्ता, एक मोरनी बाजार में जाता है, एक सीधा चला जाता ताल में, पूरा प्रवास जो है 7 साल का पांचों पांडवों ने वहां बिताया, और 7 साल के अंदर पांडवों ने क्या किया, बड़े बड़े तालाब खोदे जिनकी गहराई का आज तक पता नहीं लगा कि कितने गहरे हैं, आज भी उसी जगह पर पांडवों ने एक मन में सोचा कि एक किला बनाएंगे जिसको देखने के लिए दुनिया आएगी। आज भी पांडवों के हाथों से वो घड़े हुए पत्थर हैं जिसके ऊपर मूर्तियां बन रखी है, लेख लिख रखा है, लेकिन वैज्ञानिक आज तक पढ़ नहीं सका, जाकर के देखिएगा कि उस जगह पर 5 पांडव रहे। लेकिन जब 5 पांडव उस किला बनाने के लिए तैयार हुए, पूरा पत्थर पूरा सामान तैयार जब किया पांचों पांडवों ने, लेकिन हुआ क्या, वो दिन आ जाता है जिस दिन अगले रोज वैष्णो माँ के दरबार में माँ से वादा किया वो पूरा करना था, चल देते हैं पांचों पांडव। लेकिन चलते चलते पिंजौर भी आते हैं पांचों पांडव, पिंजौर आकर के पांचों पांडवों में एक भीम होता है जिसको पानी की प्यास लग जाती है, लेकिन भीम को जब पानी की प्यास लगी, भीम ने कहा अर्जुन भैया मुझे पानी की प्यास लग रही है, अर्जुन ने सोचा वाह ये तो ऐसा मोदी बुद्धि का बंदा है, भीम तो मोदी बुद्धि का बंदा था कि यदि यहाँ ये बैठ गया ना ये उठेगा नहीं, यदि भीम सो गया तो 12 साल नहीं उठेगा ये। अर्जुन ने क्या किया, वो काली माँ जिसका मंदिर पिंजौर से 2 किलोमीटर आगे था, उस माँ को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके याद किया और अपना तीर निकाला, एक नहीं अनेक जगह पिंजौर में तीर लगाया, जहां पर तीर लगाया वहीं से पानी आ गया बोले सच्चे दरबार की। आप जाइए पिंजौर गार्डन के बीच में भी बिना बिजली से बिना ऑन किए बिना स्विच से बिना टुल्लू पंप से पानी चलता है 24 घंटे, लेकिन पिंजौर जब बाजार में जाते हो ना आप लोग के साथ में पांचों भाइयों ने पानी पिया, उस जगह से पानी पी करके पांचों पांडव जो थे वैष्णो माँ के दरबार में जाए गए, और वैष्णो माँ के कटरा पर्वत दरबार पर पहुंच करके जाकर के पिंडी रूप में माँ को आवाज लगाई, कहने लगे माँ कहाँ है, मैं आ चुका हूं लेकिन आज की रात मेरी है, कल का दिन जो है वो तेरा है, कल का दिन तेरा है, आज की रात मेरी है, अभी कि मां ऐसा काम कर सूरज को निकलने नहीं देंगे जब तक तेरा मंदिर बनकर के तैयार नहीं होगा, मैंने वादा किया है। और मां अपने पोस्टमैन को बुला, मां का पोस्टमैन पता किसे कौन, माँ के पोस्टमैन के बारे में जानते हो, जागरण किस किसी ने सुने हैं, पहले कथा किस किसी ने सुनी है, हाथ खड़ा कर सुने आपने, लेकिन पोस्टमैन का नहीं पता आपको माँ के कौन है, कौन गंगर बीर हनुमान जी कि माँ अपने पोस्टमैन को बुला। जब माँ ने अपने पोस्टमैन को बुलाया हनुमान जी को हाथ जोड़ करके बैठ जाता, कहता माँ बोलो आदेश कि बेटा आदेश तू जाकर के अर्जुन से पूछ। अर्जुन ने कहा हनुमान बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी बात सुनिए, इस संसार में जितने भी देवी देवता है ना 33 करोड़ जो देवी देवता है ना सबको निमंत्रण भेजो,
कि कल सवेरे जो है भंडारा कटरा पर्वत के ऊपर हमारी तरफ से दिया जाएगा और सबसे पहले जो है इस मंदिर में ही तुमसे जोत जगाई जाएगी। बहुत सच्चे दरबार हनुमान जी ने सूरज को अपने मुख में डाल दिया, मानते हो? हनुमान जी ने जो था सूरज अपने मुख में डाल लिया, जहां से हनुमान जी का मुंह जो है लाल रहता है। जब मंत्र बन करके तैयार हुआ तब जाकर के सूरज को बाहर आने दिया। बहुत सच्चे दरबार मंत्र बन करके तैयार हो गया, हनुमान जी ने क्या किया संसार में डाली लगाई। इधर हवन मुख चल रहा था, जिस भी देवी देवता को मंत्र दिया जाता वो नए नए कपड़े डाल करके मंदिर में आ जाता, लेकिन हनुमान जी छड़िया था। एक दरवाजा ऋषि था जो राक्षसों का सरदार था। हम तो हिंदू, हमारे सब तो हिंदू डर डर के मंदिरों के बीच में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन हम हिंदुओं को बाहर नहीं आने देते। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कौन सी माँ है, कौन सा मंदिर बन रहा है, मैं करता हूँ उसको संपूर्ण। दरवाजा ऋषि ने पक्षी के रूप में धारण किया, आकाश में डाली लगाई, भंडार करके ऊपर से घूमता घूमता हवन कुंड में पहुंच गया। लेकिन जो भी देवी देवता जाता वो हवन कुंड में संपूर्ण होती डालता और पीछे हो जाता। दरवाजा ऋषि ने सोचा कि संपूर्ण होती सबने डाल दिया, हवन जो हवन कुंड है वो तो संपूर्ण हो चुका है, यज्ञ संपूर्ण हो चुका है, लेकिन चलते हैं भंडार घर में। जब मरे हुए सांप का कर्ण लेकर के भंडार घर में पहुंचा तो जाकर के भंडारे में वो सर को डाल दिया। वो सच्चे दरबार जिसको गिरते हुए किसने देख लिया वो छिपकली जो थी। छिपकली ने सोचा वाह ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा करके मेरा पेट नहीं भर रहा, लेकिन जो इतना बड़ा ये मांस का भूत गिरा ना इसके बीच में, यदि किसी तरीके से ये बाहर आ जाए या इसको मैं बाहर निकाल लूं आराम से एक जगह बैठ करके खाऊंगी। ऊपर बैठी देख रही थी, मन बना रही थी। इधर पांचों पांडवों के साथ माँ जो थी जिसके हाथों में लाल रंग का चूड़ा था, पैरों में पजेब लगी हुई थी, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, एक हाथ में तरसूल, एक में गदा, एक में गुलाब का फूल और एक में तलवार और एक में शंख ले रही थी। वो अष्ट भुजाओं वाली माँ जो थी साथ में चल रही थी शेर के ऊपर बैठी बैठी कि वाह मैं तो अभी सोच रही हूँ कि मांस के भूत को बाहर निकालूं, ये मेरे से भी बड़ी आ गई कोई। जो इस मांस के भूत को निकाल करके जो है ना अपने शेर के बाहर डालते हैं, अभी तो सोच रही थी इतने में जो था ऊपर से छिपकली ने फूल करके तीर लड़ाई अपनी जान की बलि दे दी। बहुत सच्चे दरबार। लेकिन माँ ने जब हाथ लगाया, हाथ लगाते ही छिपकली को गिरते हुए देखा तो अर्जुन को बुलाया, बेटा अपनी कढ़ाई को उठाओ, इसको कहीं खड्डे में दल दिया हो ताकि कोई पशु पक्षी भी ना खाए। बोल सच्चे दरबार जब इतनी बात कही चले जाते हैं खड्डे में दलने के लिए, लेकिन उसके बीच में से बहुत बड़ा मरे हुए सांप का कर्ण दिखाई देता है। उस मरे हुए कर्ण को उठा करके पांचों पांडव जो थे माँ वैष्णो माँ के दरबार में लेके आए। माँ से कहने लगी, माँ ये देख ये जो छिपकली है ना इसने कूद करके इसमें छलांग लगा करके हम सबकी जान बचाई है, इसमें तो पहले से सांप गिरा हुआ था। कि माँ यदि आज छिपकली ना होती ये कोई भी देवी देवता नहीं बचता, क्योंकि ये यही भोजन करने के लिए जा रहे थे। उसके बाद आज मैं घर घर में जगराते ना होते इसके, किसी के घर में कीर्तन ना होता और किसी के घर में बंसरी ना बजती, ना राधा रानी का नाच होता, समझे? लेकिन उस टाइम में यदि छिपकली ना हो तो माँ ने कहा, बेटा इस छिपकली ने खीर के कढ़ाई में छलांग लगा करके हमारी जान बचाई, जाओ मैं इसको एक श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म जो होगा एक राजा के घर में होगा, क्योंकि तूने बहुत बड़ा ऊंचा काम किया है। उस राजा के घर में तेरा जन्म होगा और तेरा पालन पोषण जो होगा वो नीचों के घर में होगा, क्योंकि तूने पहले जन्म में नीच काम किया है। इतनी बात कहकर के माँ ने अपने कृपा से देवी देवताओं को भोजन करा करके अपने घर को भेज दिया। अर्जुन ने पहली बार माँ की जोत तो माँ के मंदिर में जगा दिया। वो सच्चे दरबार इधर
जो तारा होती है, इंद्र लोक की परी बनी हुई थी, वो तीसरे जन्म में जो थी राजा हरिचंद्र की पत्नी बनकर के तारा रानी के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा की पत्नी बन जाती है, वो सच्चे दरबार में, जहां पर उसका नाम तारा रानी रखा जाता है। इधर जो छिपकली थी वो तीसरे जन्म में राजा संपर्श के घर में जन्म लेती है, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन संतान के कारण राजा ने गरीबों को धन दौलत सब दान दिया। जो भी राजा के घर में आता उसको उठा करके इतना हीरे जवाहरात सोना चांदी दे देता, लेकिन लड़की को उठा करके पंडितों के मोहल्ले में जाकर के अपने रात को पंडितों के पास जाता है और जाकर के कहता है, पंडित जी ये मेरी लड़की की नाम की जन्म कुंडली बनाओ, ऐसा काम कर इसका गला दबाकर भी जान से मार दो। राजा ने कहा, पंडित जी मैं गलत काम नहीं करूंगा, कोई इच्छा कोई अच्छे से कोई कार्य आपको अच्छा प्रबंध हो जिससे, या अच्छा कोई काम बताओ जिससे मैं इसका कर सकूँ और मेरे हाथ से दान हो जाए। तो तभी पंडितों ने कहा, राजा ऐसा काम करो एक लकड़ी का संदूक बनाओ, उसके ऊपर हीरे जवाहरात सोना चांदी लगाओ और लड़की को लाल कपड़ा डाल करके संदूक के बीच में बंद करके पानी में बहा दो, तेरे हाथ से दान हो जाएगा, लड़की बच जाएगी, तो सच्चे दरबार को। लेकिन ऐसा ही काम किया राजा ने, एक लकड़ी का संदूक बनवा करके उसके ऊपर हीरे जवाहरात सोना चांदी लगवा करके लकड़ी के संदूक में लड़की को डाल करके पानी में बहा दिया। जब वो संदूक बहता बहता जो था पानी में, कांसी जी उस गंगा में पहुंचा तो उस जगह का एक लकड़हारा होता है जो गंगा में स्नान करके वहां की जोत को जगाया करता था, वो संदूक के ऊपर हीरे जवाहरात सोना चांदी देख संदूक को पकड़ करके बाहर रख लेता है, फिर गंगा में स्नान करता है। गंगा में स्नान करने के बाद जब बाहर निकल के आता है तो एक गंगा के बिल्कुल नजदीक में एक ब्राह्मण आ रहा था जो पास के गांव में कोई कथा करने जा रहा था। जब ब्राह्मण ने देखा ये तुमने कहां से चुराया है संदूक, इसके ऊपर इतना धन दौलत लगा हुआ है, जिसके ऊपर इतने धन दौलत हीरे लग रहे हैं, अंदर पता नहीं कितना माल होगा। लेकिन लकड़हारा कहने लगा, पंडित जी ये मैंने चुराया नहीं है, ये पानी में चला आ रहा था, मैंने छोड़ लकड़हारे थोड़ा दूर लेना तो लगे से क्योंकि तुम नीच जाति का है, हाँ ब्राह्मण है इसलिए तो मेरे से दूर रहना, लेकिन ऐसा काम कर इसके ऊपर का सामान मुझे दे दे, अंदर का जो धन दौलत जो है गिरे चंद्र है ना वो तू ले जाना, ताकि तू गरीब है तेरा गरीबी दूर हो जाएगी उस टाइम में। लकड़हारे ने कहा, भैया पंडित जी बात सुनो, मुझे जरूरत नहीं अंदर के सामान की, आप ले जाओ सारा। जब संदूक को खोल करके देखा उसके बीच में नंगी सी गुड़िया लाल कपड़े में लिपटी हुई अपने सच्चे पैर का अंगूठा चुनती हुई नजर दिखाई देती है, वो सच्चे दरबार की। उसको निकाल करके संदूक से बाहर लड़की को अपनी छाती से लगाता है और लगा करके छाती से अपने घर अपने भंगर को जाकर के दे देता है। जब भंगर को जाकर के दी, भंगर की उम्र 80 साल की थी, जिसके उसका मुख चूमने लगी, ये तो सबको पता है बहुत माता बहनें ऐसी होती हैं जिनके पास औलाद नहीं होती, लेकिन यदि औलाद उनके पास ना हो ना उनको पराया बच्चा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पराये बच्चे को भी गोद में लेकर के ये बात बोलती है कि हे परमात्मा हे माँ किसी तरीके से मुझे भी ऐसा कोई बच्चा मेरी गोद में दे देना ताकि मेरी गोद भी सोनी से भरी हो जाए। थे वो पलट जाते हैं, अंदर का सांस अंदर हो जाता है, बाहर का बाहर आ जाता है, उसी के साथ में वो बंगन भी रोने लग जाती है, रोती रोती कहती है माँ, क्योंकि माँ की पूजा किया करती थी, माँ पहली बात तो मेरी कोख से बच्ची ने जन्म नहीं लिया, यदि आज मुझे पानी से पैदा करके मैं तेरा नाम लेती हूँ तूने मुझे दे ही दी तो इसको क्यों ले जा रही है, इसको चुप कराने का तरीका तो बता। जब घर में जोत जगा करके माँ की जोत के आगे बच्ची को लेकर के बैठ जाती है ना, ऐसी कृपा माता रानी की होती है, माँ उस जोत के बीच में प्रकट हो जाती है वो सच्चे दरबार में, और प्रकट होकर के जोत में कहती है माँ, झगड़ाते में तारा रानी कथा सबने सुनी है ना पहले, लेकिन जो बातें मैं आपको बताऊंगा ना कथा के बीच में आप तक आपने किसी ने आपको बताई नहीं, क्योंकि तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। बोलो सच्चे दरबार की।
लेकिन जब जोत के बीच में मां प्रकट हो जाती है और भंगर देख करके जोत के बीच में मां को कहने लगती है, मां इस बेटी को चुप तक करवा। फिर कहती है मां करके भंगर को, भंगर आज तेरी एक बेटी को चुप नहीं, ये जितनी भी संसार में बेटियां बैठी है ना, माताएं बैठी है, इन सबको चुप करवाऊंगी। लेकिन पहले एक मैं बात तेरे से मैं बताऊंगी तुझे। कहने लगी मां क्या? कि सुन भंगर, आज के बाद कोई झोपड़ी झोपड़ी में रहने वाली, कोई महल में रहने वाली कोख से पहली बार बच्चा जन्म लेगा ना, ठीक है? यदि किसी भी बेटी की कोख से आज के बाद बच्चा पहली बार जब जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद जब भी बच्चा अपनी मां की गोद में रोएगा, जन्म लेने के घंटे बाद, जन्म लेने से 6 घंटे बाद, या जन्म लेने से 6 महीने बाद रोएगा बच्चा पहली बार, या 1 साल बाद भी बच्चा जब रोएगा ना जन्म लेने के बाद पहली बार, जाओ भगत आज के बाद हर घर में बच्चा जो है मेरा नाम लेकर के रोएगा पहली बार। वो सच्चे दरबार रोते हैं बच्चे पहली बार, किसका नाम लेकर रोते हैं? मां मां करके रोते। लेकिन रोने के बाद बड़ा होकर चाहे गंगा हो जाए, लेकिन पहली बार जब डॉक्टर में हॉस्पिटल में बच्चा रोता ना पहली बार, तभी इस माँ का नाम लेकर रोता है। उस दिन से रोते हैं बच्चे माँ का नाम लेकर, बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन माँ की कृपा ऐसी हुई 80 साल की उम्र में उस भंगर की सूखी छाती में माँ ने छोटी सी दूध की बूंद एक पैदा की, और जब छाती से लगाया लड़की चुप हो जाती है। सच्चे दरबार इतनी कहकर के मां मन पर ध्यान हो जाती है, आज कुछ कल कुछ, बेटी जो है जवान हो जाती है। अब आप सभी माताएं मेरे बैठी है, भाई बैठे हैं, जिस घर में बेटी जवान होती है ना, उस घर में मां बाप को तब तक नींद नहीं आती जब तक बेटी जो है अपने असली घर में नहीं जाती। वो सच्चे दरबार जिस घर में ये बेटियां जन्म लेती है ना, वो नकली घर होता है। जिस घर में बेटी जवान होती है मां बाप को नींद नहीं आती रात को, क्यों? दरवाजा पड़ोसियों का खटखटाता है, लेकिन आज उस जवान घर में बेटी जिसके घर में होती है उस मां बाप को खो जाती है। तब तक नींद नहीं आती जब तक लड़की जो है अपने ऐसे घर में नहीं जाती। और आजकल कलयुग के मां बाप तो ऐसे 1-2 महीने बाद अपने घर में आती है ना, बाप के घर में आती है, चाहे उनके घर में मान करके खाना बनता हो, कितने भी गरीब हो सासू, लेकिन वो बेटी जो है ना अपने बाबन के घर में आकर के कभी भी अपने सास ससुर की बदनामी नहीं करती। उसको पूछ कर भी देखिए, एक की जगह 2 कह करके बताती है, वहाँ ऐसा नहीं है उनके घर में ये भी है वो भी है, ये भी है उनके घर में, ये भी है वो भी है, चाहे कुछ ना हो। लेकिन मैं उन मायों से भी प्रार्थना करता हूँ जो अपनी बेटी की शादी करने राजा हरिचंद्र की नगरी में पहुँचाते हैं, जिस जगह पर राजा का नाम हरिचंद्र और रानी का नाम तारा रानी था, उसी नगरी में अपनी बिरादरी का लड़का देख करके शादी कर देते हैं। आगे जिस लड़के से शादी हो जाती है उसकी लड़की की माँ यानी लड़की की सासू जो थी वो राजा हरिचंद्र के घर में झाड़ू पोछा लगाया करती थी। अब जब झाड़ू पोछा वो लगाया करती थी उसके घर में बेटी की शादी हो जाती है। बड़े प्यार से जब शादी करा कर अपने सास के घर में गई ना, तो सास ने पूछा बेटी क्या नाम है तेरा? माता जी मेरा नाम ना रुकमण है। क्या नाम है? रुकमण। लेकिन उसकी घरवाली का नाम भी रुकमण, उस सासू का नाम भी रुकमण था, उसका नाम भी रुकमण था, कोई बात नहीं, सास का नाम भी रुकमण है और बहू का नाम भी रुकमण। सास कहने लगी बेटी तेरा नाम भी रुकमण मेरा भी रुकमण, ऐसा काम कर मैं तो अपना नाम रुकमण रखना बेटी, मैं अपना नाम बदल देती हूँ। लेकिन लड़की वो बहू जो थी समझदार थी, कहने लगी माता जी तेरा नाम रुकमण मेरा भी रुकमण है, लेकिन नहीं तेरा नाम रुकमण रहेगा लेकिन मैं अपना नाम बदल देती, मेरा नाम आज से जो मर्जी रखो। लेकिन सास ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? रुको। क्या रखा? क्या नाम रख दिया? रुको। कहने लगी बेटा
आज के बाद यदि कोई भी घर से आए, मेहमान आए, तुम्हारा आए, मेरा आए, यदि दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाएगा, रुकमण रुकमण कह करके, तू न बोल मैं बोलूंगा। जब तक तुझे रुको ना कहे तो बोलना नहीं कि ठीक है माता जी। उस घर में रहते हुए 5 साल हो गए, नहीं कहा, जब तक हाँ नहीं कही, बोल सच्चे दरबार की। एक दिन 5 साल के अंदर सास ज्योति बीमार हो जाती है। जब बीमार हुई और राजा के घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए न जा सकी, रुको ने सोचा कि क्यों ना मेरा फर्ज बनता है, मेरी सास है बीमार है, कि मैं जाकर के राजा के घर में झाड़ू पोछा लगाऊं और झाड़ू पोछा लगा करके अपनी सास का हाथ बटाऊं। जब इतनी बात कही, राजा के महल में जाकर के झाड़ू पोछा लगा रही थी, अब सबसे पहले मेरे पैरों में हाथ लगाती थी, उसके बाद मुझे राम सलाम किया करती थी, चाय पानी पीती थी, मेरे साथ बैठ के बातें करती थी, फिर जाकर के झाड़ू पोछा लगाया करती थी। आज पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो इसे कल कुछ बोला भी नहीं। जब इतनी बात बोली तो तारा रानी ने आवाज लगाई बड़े प्यार से, बेटी रुकमा इधर आओ। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? फिर आवाज लगाई, बेटी रुकमण इधर आओ। एक आवाज लगाई, 2, 3, 4, 5, 10, 20 आवाजें लगाई तो तारा रानी को गुस्सा आ गया। तारा रानी ने सोचा कि कमाल है, हम राजे, हमारे घर से खाना लेके जाते हैं ये, हमारे घर से पैसे लेके जाते हैं, हमारे घर से कपड़ा लेकर के जाते हैं, जो भी चाहिए हमारे घर से ले जाते हैं, लेकिन देखो मैं, हमारे घर में नौकरी करने वाले हैं और मैं इसको बुला लिया, आप नहीं, क्या बात है। फिर आवाज लगाई बड़े प्यार से, बेटी रुकमान इधर आओ। लेकिन नाम क्या था? जब नाम बोली तारा रानी को गुस्सा आया, तारा रानी ने गुस्से में आकर के तलवार को हाथ डाला, ऐसे हाथ में तलवार भी, कहने लगी तो कोई बात नहीं, अब तो बोल या ना बोल, अब एक आवाज लगाऊंगी बस, यदि एक आवाज में तो बोली ठीक नहीं बोली तो तेरी बस गर्दन जो है ना धड़ से अलग कर दूंगी। फिर जाकर के आवाज लगाई, जब तलवार छाड़ के चली जा रही थी, जाते जाते मन में ख्याल आया कि नहीं, हम राजे हैं, हम राजे हैं, हमें शोभा नहीं देता ये काम, क्योंकि राजे जो होते हैं ना वो रहमदिली के होते हैं, गुस्से वाले राजे नहीं होते। कोई बात नहीं, हमारी नौकरानी है, मेरा फर्ज बनता है कि प्यार से जाकर के पूछे क्या बात है, मेरे से क्या गलती है। महल को साफ कर रही थी, महल को साफ करते करते मन में ख्याल आया रानी के कि मैं इसको पूछ रही थी, नजदीक में जाकर नजदीक में गई, तलवार के साथ में चेहरे के ऊपर से ऐसे चुन्नी का पल्ला ऊपर किया, उसका पूरा चेहरा देख करके तारा जो थी अपनी छोटी बहन रुकमण को बिल्कुल दर्शाने लगी। वाह, पहले तो मेरे घर में रुकमण आया करती थी, ये कौन है? बेटी बाजू पकड़ती है, बेटी इधर आ, कौन है तू मेरे साथ, इधर मेरे साथ बैठ के पहले बात कर। जब बाजू का फिर रुको कि ऐसे अपने बहन में लेके आई, रुको जो थी डर रही थी कि जो इतनी बड़ी तलवार लेकर के आई थी मारने के लिए, हो सके महल में जाकर के मार देते। नहीं बेटी, चाय पानी पिलाने के बाद उसको कहती है, बेटी तुझे पता है मैं कौन? रुको कहने लगी, नहीं मुझे पता कि आप एक राजा की रानी है, वो तेरी सास तो होगी लेकिन तू जो है ना मेरी 3 जन्म की बिजली की बहन है, मैं तारा हूँ तू रुकमण। जब एक कहा ना कि तू तारा है मैं रुकमण हूँ, रुको ने सोचा था पागल है रानी, ये मुझे बता रही है साहब, सारी बातें सही हैं, लेकिन आज रात जब मैं घर पहुंची ना, मेरी सास ने मुझे बाह ने बोल दिया कि तेरे औलाद नहीं हो। बोलो सच्चे दरबार, एक पीस या एक, और आओ भाई साहब,
कच्चे चावल लेकर के हल्दी से पीले करके जागर का डल बना, उस डल को लेकर के अपने बच्चे को ऊपर 7 बार ऐसे घुमा करके ना पंडितों के मोहल्ले में जाकर के जागरण कीर्तन करने वाले पंडितों को जाकर के देख लिया, वो तेरे जागरण का निमंत्रण स्वीकार करेंगे, फिर तेरे घर में जगराता कीर्तन करने आएंगे, तब जाकर के तेरी सुखना जो है मंजूर हो जाएगी, तेरा बच्चा आज के बाद घुमा। पंडित जो है मेरा जागरण का घर जाने के घर जागरण करने के लिए इनकार कर रहे हैं, ना ही ये जागरण का निमंत्रण ले रहे हैं, अब मैं क्या करूं। लेकिन तारा रानी ने हाथ आगे करके जागरण का निमंत्रण लिया और जागरण का निमंत्रण लेकर के कहने लगी, रुको जा अपने घर में तैयारी कर, आज रात को ठीक 12 बजे तेरे घर में मैं आऊंगी और तेरा जगराता मंजूर करके जाऊंगी, जा अपने घर सच्चे दरबार की। पहले जो जागरण होते थे ना माता रानी के 12 बजे तक होते थे सतयुग के बीच में, लेकिन 12 बजे के बाद आरती की जाती थी जगराते में, अम्बे तू है जगदम्बे काली जन्म के खप्पर वाली, हम सब उतारे थे आरती। उसके बाद मांस का प्रसाद बनाया जाता था, संगत को बांटा जाता, रानी के पट का सराहना लेकर के तो बिस्तर में लेटता, रानी के हाथ में पक्षी दे दे, तेरे को सारी रात दर्द होता रहेगा, तेरे को हवा झूलती रहेगी, तेरे को नींद नहीं आएगी, रानी नीचे के घर जगराते में नहीं जाएगी। उनसे प्रार्थना कर रही थी, माँ यदि आज तेरे में शक्ति है ना, जैसे धनु भगत को राजा अकबर ने पकड़ दिया था, राजा अकबर ने धनु भगत के घोड़े का सर काट दिया था, मां तूने धनु की आवाज सुनकर के राजा के घोड़े का सर धड़ से लगाया था, धनु की पुकार सुनकर के तू आई थी, ऐसे आज यदि तेरे में शक्ति है तो तू मेरी पुकार सुनकर के भी आ और इस राजा को नीचा दिखा के जा। रूपों में घर के रास्ते में पहुंच जाती है, वो सच्चे दरबार जाकर के आरती की, वो मांस का प्रसाद बना हुआ सभी सगन को बांट दिया, सभी लेकर के अपने घर को चले जाते हैं। रानी जो है वो मांस का प्रसाद जो था अपनी झोली में डाल देती है, जब झोली में प्रसाद डला तो पीछे राजा की आंख खुल जाती है और राजा जो है दौड़ा दौड़ा नीचों में घर जाता है, देखता है पीछे रानी बैठी थी, जब रानी की झोली में मांस का प्रसाद वो मांस डला हुआ था राजा जो था रानी की झोली में हाथ डालने लगा, रानी ने कहा राजा ये मेरी झोली में मां का प्रसाद है, यदि मेरी झोली में तुझे हाथ डाल करके देखना चल महल में जाकर के देखो। राजा रानी दोनों आगे भी चलते हैं, पीछे राजा तलवार उठा करके चलता है। जब रानी महल में पहुंची, राजा ने रानी की झोली में हाथ डाला, ऐसा चमत्कार मां दुर्गा काली भद्रा काली का हो जाता है, जब हाथ निकाल करके बाहर देखते तो गिरी छुआरे फोपा धक्का पंचमेवा प्रसाद बन करके तैयार हो जाता है। गुरु सच्चे देखना चाहता हूँ। राजा ने अपने घोड़े को बुलाया, उसका सर काट करके साइड में रख दिया और कहा रानी दिखा अपनी मां का चमत्कार। तभी रानी ने कहा राजा अरे मूर्ख अरे पापी हंकारी, इस मेरी मां को राजा अकबर ने भी अजमाया था, चला जा ज्वालामान के पर्वत पर, जिस जगह पर जोत जल गई जोतें जग रही थी ना, हलवे में कढ़ाई बना बना करके डाली, एक छोटी सी नहर बना करके भी मां की जोतों में डाली, लेकिन फिर भी राजा का हंकार मां ने तोड़ दिया था। फिर भी राजा ने कहा था कि सुन मेरे कहने से चला कर तू, जो तू कहे मैं तेरे लिए हाजिर कर दूंगा। राजा ने एक सोने का छत्र बनाया और छत्र बना करके अपने घोड़े के ऊपर बैठ करके माँ ज्वाला के चरणों में उठा करके ऐसे छोड़ दिया, कहने लगा ज्वाला ये पकड़ छत्र, आज के बाद कोई ऐसा भगत पैदा नहीं होगा जो सोने का इतना बड़ा छत्र तेरे चरणों में चला देगा, दे पकड़, कहे तो एक और मैं नहीं दूंगा तुझे। इतनी बात कह दी थी माँ ने, जो राजा ने छत्र अपने हाथों से उठा करके मां के चरण में रखा था ना, इस मां ने अपनी तलवार की नोक से उठा करके धड़ से राजा के पैरों में डाल दिया। तो सच्चे दरबार की जाकर आंखें बंद कर, जब आंखें बंद करके देखा तो घोड़ा जो था राजा का घास खा रहा था। वो सच्चे दरबार की कहने लगा रानी बस मैं तेरी मां को देखना चाहता हूं।
राजा यदि तुझे मेरी माँ को देखना था ऐसा काम कर, एक ऐसे माँ का दरबार सजा। उस माँ के दरबार में माँ की जोत को जगा, ठीक 12 बजे अपने बच्चे रोहतास को उठा करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मांस के फिर मेरी माँ की जोत को लगा, तब जाकर के मेरी माँ तुझे दर्शन देगी। लेकिन राजा के मन में हक लग रही थी दर्शन करने की। राजा ने माँ का दरबार सजाया, माँ की जोत को जगाया, जागरण मंडली वालों को बुलाया, ठीक 12 बजे अपने बच्चे रोहतास को उठाया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके माँ की जोत के पास आ जाता है वो सच्चे दरबार में। जब माँ की जोत के पास आया, माँ की जोत को जाकर के एक मांस का टुकड़ा प्रसाद का जो था माँ की जोत को लगा करके कहता है, ले रानी अपने माँ को बुला। लेकिन रानी ने कहा, राजा ऐसे मेरी माँ दर्शन नहीं देगी, सच्ची श्रद्धा से माँ को भोग लगा। अब ये परिवार माता रानी ने दर्शन ना दिया उन सच्चे दरबार की। जब माता रानी ने दर्शन ना दिया तो राजा ने कहा कि रानी तेरे कहे अनुसार मैंने मां का जगराता करवाया, इस जगराते के बीच में मैंने अपने बच्चे रोहतास को उठाया, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, मैंने एक पतीले में डाल करके बनाया, फिर बना करके पका करके इसको तेरी माँ की जोत को भोग लगाया और तेरी माँ ने मुझे दर्शन ना दिया। रानी अब तू तैयार हो जा, बस अब तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा, तेरे भी छोटे छोटे पीस करूंगा मैं। राजा ने तलवार उठाई, जब तलवार उठाकर राजा जो था और रानी के थड़के पर मारने के लिए तैयार हुआ तो पीछे से मां ने अपनी कृपा से राजा के हाथ से तलवार को पकड़ लिया और कहने लगा, राजा रानी, राजा कहने लगा, रानी मेरे हाथ में क्या हो गया, जब मैंने तेरे ऊपर तलवार उठाई ना, मेरा हाथ तो पीछे किसी ने पकड़ लिया। लेकिन तभी रानी ने कहा, राजा तू पागल है, तेरा हाथ किसी ने पकड़ा नहीं, तेरा हाथ जो है ना मेरी माँ ने आकर के खुद पकड़ लिया, कि तू जो है माँ की भक्तनी के ऊपर जो तलवार उठा रहा है। राजा आज के बाद कलयुग के बीच में भी इस आंधी तूफान को अपने आप को लेती है पर सच्चे दरबार की। अच्छा तेरी माँ में तेरी शक्ति है, अरे बुला जरा जल्दी से, मुझे माँ तेरी माँ का दर्शन करना है। राजा आ जरा जल्दी से, आ मैं तुझे अपनी माँ का दर्शन कराती हूँ। आइए परिवार वालों से प्रार्थना है, जी आओ 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 आप भी आओ, ये चुन्नी में डाल चुन्नी में बांध दो, एक सच्चे दरबार की आओ सभी मेरे साथ बोलना है, बोल सच्चे दरबार की। माता रानी को भोग लगाने भोग लगा सभी लेकर के कहना है, क्योंकि ज्वाला माँ को आप लोग मानते हैं, ठीक है। जाग ज्वाला जाग महारानी, आजा शेरा वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जाग ज्वाला जाग महारानी, आजा शेरा वाली सवेरा, बोलना सभी जी, जाग जवाला जाग महारानी, आजा शेरा वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जाग जवाला जाग महारानी, आजा शेरा वाली सवेरा, सवेरा हो गया है, मेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। बस एक बात बता दूंगा, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये तेरी माँ है, और एक बात बताइए कहाँ रहती है। राजा तुझे पता नहीं,
ये माँ जो है ना, जब से मैं जन्म मैंने जन्म लिया ना, तब से लेकर के आज कहीं इसका शेर घास खाता और कहीं ये तेरेगी तेरे साथ में कहीं इधर तो घूमने जाती, मैंने तो आज तक नहीं देखा। लेकिन रानी ने कहा राजा तेरे जैसे पापी अहंकारी को माँ नहीं दिखाई। रानी ने कहा राजा कर माँ से बातें कर। जब माँ से बात करने के लिए माँ की आंखों से आंखें मिला के देखने लगा तो राजा की आंखों से आंसू आने लगे। माँ ने कहा राजा से राजा अरे मूर्ख मेरे दरबार में जो भी रोता रोता जाता वो हंसता हंसता। और राजा बात सुन जिसको मैं देती हूं ठेरों पे ठेर दे देती हूं और जिससे देती हूं उसकी चमड़ी भी उधेड़ देती हूं। याद रखना राजा आज के बाद मेरे दरबार में बैठ कर हंकार ना करना। अच्छा मां मुझे माफ कर दो। जब राजा ने कहा रोते हुए मुझे मां माफ कर दो तो मां ने कहा बेटा पहले आंखें साफ कर, बिल्कुल आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए, आंखों में से बिना चरणों में उसका भोग लगा रखा हो, जीवित बच्चा जो है कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़े करके एक पतीले के बीच में पड़ा हो उस माँ बाप की आंखें सूखी हो सकती। लेकिन जब आंखें साफ करके राजा ने मां से कहा मां, मां ने कहा बेटा अपने बेटे का नाम लेकर के पांच आवाज देगा, तेरे बेटे का क्या नाम सकल नगर होता पांच आवाज देगा। जब राजा ने रोहतास 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 कहते हुए पांचवी आवाज लगाई ऐसा चमत्कार माता रानी का हुआ, उस मां ने अपनी गोद से रोहतास बच्चे को उठा करके राजा के चरणों में छोड़ दिया। वो सच्चे दरबार देख करके राजा हैरान हो गया, वाह रानी कमाल, रानी जिस बेटे को मैंने अपने हाथों से काटा तेरी मां ने, जिस बेटे जाने ले रहा था लोरी ले रहा था, पिताजी मुझे दोबारा इस मां की गोद में जाना है। लेकिन राजा ने कहा बस रहने दे, एक बार भेज के दोबारा आ भी गया, जब मैं दोबारा दे दूंगा ना तुझे भेज दूंगा फिर पता आए ना आए। लेकिन माँ ने कहा बेटा सुन आज के बाद कलयुग आ जाएगा, इस कलयुग के बीच में बड़े बड़े हंकारी होंगे अकबर से भी बड़े बड़े, लेकिन उन हंकारियों का हंकार तोड़ने के लिए मुझे हर किसी के घर में नहीं आना होगा। लेकिन आज के बाद राजा मेरे दरबार में कोई आए, कोई भी भक्त मेरे दरबार में आए, लेकिन मेरे दरबार में आकर किसी का बच्चा जीवित मर जाएगा ना, जाओ आज के बाद मैं जीवित नहीं करूंगी, उसको दूसरा दे दूंगी लेकिन उसको जीवित करके नहीं दूंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना राजा, घर घर में हंकारी हंकारी होंगे लेकिन उनका हंकार तोड़ने के लिए मैं राजा तेरे को आज एक तरीका बताती हूँ कि जाओ आज के बाद कलयुग में बड़े बड़े मंदिर होंगे, मेरे बड़े बड़े मंदिर होंगे कलयुग के बीच में, लेकिन मंदिर कितने भी बड़े होंगे राजा आज के बाद कलयुग में मेरे मंदिर के दरवाजे छोटे होंगे। देखे आपने मंदिर देखे होंगे ना बड़े बड़े, लेकिन दरवाजे कैसे होते हैं छोटे, इसलिए छोटे होंगे राजा मेरे मंदिरों के दरवाजे कि मेरे दरबार में मेरी मूर्ति लगी होगी। लेकिन जो भी भगत कितने भी बड़ा हंकारी होगा जब मेरे मंदिर के बीच से आगे से प्रवेश करेगा ना मेरी मूर्ति की तरफ देख करके, जब वो आएगा ना मेरी मूर्ति के आगे उसका दरवाजा छोटा देख कर मेरे मंदिर का सर झुक जाएगा और उसका हंकार टूट जाएगा। मेरे सच्चे दरबार की ठीक 4 बजे तारा रानी की कथा जगराता करने वाला सच्चे मन से मेरे दरबार में मेरी जोत के आगे खड़के यदि सच्चे मन से कथा वाचक जो होगा राजा तेरी और रानी दोनों की कथा इस माँ की जोत के आगे बैठ करके ना सुनाएगा तो जाओ जगराता नामंजूर होगा। बोल सच्चे दरबार और कहने लगी बेटा ऐसा काम करना अपनी इसी नगरी में मेरा एक मंदिर बनवाना, उस मंदिर के बीच में मेरी तस्वीर लगाना, उसी मंदिर में बैठ करके तू मेरी पूजा आराधना करना, जाओ तेरे मन की मनोकामना मैं पूरी करूंगी और तेरे अंग संग होगी। बहुत सच्चे दरबार क्या बात है। और इधर प्रवीण शर्मा जी अपने कुल की माँ के नाम से अरदास करा रहे हैं, अपने मम्मी पापा के नाम से, अपने बच्चों के नाम से अरदास करा रहे हैं ताड़ी कथा में। माँ तारा रानी मन की मनोकामना पूरी करे, माँ जिस भी मनोकामना तेरे भगत तेरे बच्चों ने तेरे नाम का जागरण करवाया माँ, और तेरे नाम का कीर्तन तेरे नाम का सत्संग तेरे नाम की ज्योत को जगाया माँ,
अपने ज्योति का प्रकाश परिवार में सदा के लिए सहाय करना। और इधर हमारे शर्मा जी, अनुज शर्मा जी, ये भी अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने नगर खेड़े के नाम से अरदास करा रही है। माता रानी परिवार में सुख शांति दे, और जिस भी मनोकामना से माँ तेरी भगत तेरे बच्चे तेरे नाम की अरदास करवा रही है माँ, बच्चों की मन की मनोकामना पूरी करना। बोलो सच्चे इस बेटे का कल बटे था, कल था ना बटे, कल था, और ये जागरण भी कल शुरू हुआ था। छोटे से बच्चे के नाम से अरदास, माता रानी परिवार में सुख शांति देना, बच्चे की उम्र को बना रखना। और इधर बहन जी और अपने परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से, बच्चों के नाम से, अपने कुल की माँ के नाम से 100 रुपये अरदास करा रही है। माता रानी ने गाए भारती हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरा ही गुण गाए भारती हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मा, ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मा, छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, भाग जलाने वाली, दुखियों के दुखड़े आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता माँ, ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता माँ, है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। पूत कपूत सुने हैं परना माता, सुनी को माता सब पे करुणा बरसाने वाली, भाग जगाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो भैया, अब जब उदारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरा ही गुणे गाए भारती हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मा, ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मा, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, आज बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े आरती हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ ज्योतिष के दिन तेरे मंदिर पर भीड़ लगी है भारी माँ, ओ ज्योतिष के दिन तेरे मंदिर पर भीड़ लगी है भारी माँ, मंदिर पर टूट पड़ो माँ करके, शेर सवारी सो सो सिंहों से है बलशाली, रक्त पूजाओ वाली, सतियों के सत्य को सुनवारती हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ तेरी शरण में जो कोई आता, भवसागर तर जाता माँ, ओ तेरी शरण में जो कोई आता, भवसागर तर जाता माँ, सच्चे मन से जो भी ध्यावे, मन माछी फल पाता, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो भैया, हम सब उतारे मैया जी तेरिया आरतियां। ओ मैं तारे संकेता जड़गा मां महारानी तेरिया आरतियां, ओ आरती गाओ मैया आरती गाओ, ओ आरती गाओ मैया आरती गाओ, ओ आरती गाओ ज्वाला आरती गाओ, मैया जी तेरी आरतियां। तो आओ माता रानी को भोग लगाइए। बोलो सच्चे दरबार की जय, सजा भोग है गरीब दा, बोलो मैया जी सजा भोग है गरीब दा, भोग है गरीब दा, ये भोग है गरीब दा, ये भोग है गरीब दा, भोग है गरीब दा,
मनसा देवी साडा भोग गरीब दा बोला ओ मनसा देवी साडा भोग गरीब दा दूजा दूजा भोग जवाला मैया जी नु लावा ओ दूजा दूजा भोग जवाला मैया जी नु लावा शेरा वाली साडा भोग गरीब दा बोला ओ शेरा वाली साडा भोग गरीब दा तीजा तीजा भोग नगर खेड़े नु भी लावा ओ तीजा तीजा भोग नगर खेड़े जी नु लावा चौथा मैं भोग हनुमान जी नु लावा ओ चौथा मैं भोग हनुमान जी नु लावा पंजवा मैं भोग भैरो बाबा जी नु लावा ओ पंजवा मैं भोग भैरो बाबा जी नु लावा छेवा मैं भोग कृष्ण कन्हैया जी नु लावा ओ छेवा मैं भोग कृष्ण कन्हैया जी नु लावा सतवा मैं भोग राधा रानी नु भी लावा ओ सतवा मैं भोग राधा रानी जी नु लावा अठवा मैं भोग डमरू वाले नु भी लावा ओ अठवा मैं भोग डमरू वाले नु भी लावा सारी संगत नु लावा ओ नौवा मैं भोग सारी संगत नु लावा ओ संगत जी साडा भोग गरीब दा बोला ओ संगत जी साडा भोग गरीब दा ओ शेरा वाली साडा भोग गरीब दा बोला ओ शेरा वाली साडा भोग गरीब दा बधाई ज्वाला मैया नु भी होवे पहले बधाई ज्वाला मैया जी नु होवे जोता जगाया सारी रात जी बधाई होवे जोता जगाया सारी रात जी बधाई होवे दूजी बधाई मनसा देवी मानु होवे दूजी बधाई मनसा देवी मानु होवे जगराता लिखता खुशी नाल जी बधाई दीजी बधाई तुम्हें बयान मिलवी होवे दीजी बधाई तेरे बच्चे नु भी होवे दीजी बधाई तेरे बच्चे पड़का सोए ते सारी रात जी बधाई होवे पड़का भी सोए सारी रात जी बधाई होवे अगली बधाई मम्मी पापा नु भी होवे अगली बधाई मम्मी पापा नु भी होवे पापा नु भी होवे एक बधाई मम्मी पापा नु भी होवे एक बधाई मम्मी पापा नु भी होवे अरदासा दित्ती सारी रात जी बधाई होवे अरदासा दित्ती सारी रात जी बधाई होवे अगली बधाई चाचा चाची नु भी 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 सरदा नाल जी बधाई होवे दाती दा सजाए दरबार जी बधाई होवे दाती दा सजाए दरबार जी बधाई सारी रात जी बधाई होवे अरदासा आईया सारी रात जी बधाई होवे अगली बधाई नादी नानी जी नु होवे अगली बधाई नादी नानी नु होवे अगली बधाई सारे मामिया नु भी होवे अगली बधाई सारे मामिया नु भी होवे हो बोलो संत प्यारे हो सतो पहना दीजे सतो पहना दीजे जयकारा शेरवाली दा बोलो साचे दरबार की जय जयकारा मां ज्वाला रानी दा बोलो साचे दरबार की जय जयकारा मां मनसा देवी दा बोलो साचे दरबार की जय नगर खड़े ना बोलो सचे दरबार की जय चरणा दा प्यार भाई नी सानू रख लै सेवा दा चरणा दा प्यार माई नी मैनू रख लै सेवादार ते चरणा दा प्यार माई नी सानू रख लै सेवादार तेरे पवन ते करा नौकरी मैं तेरे मंदिर तेरे पवन ते करा नौकरी सद लै तू इक वार माई नी मैनू ते चरणा दा प्यार माई नी सानू रख लै सेवादार ते चरणा दा प्यार माई नी मैनू रख लै सेवादार
भगतां दे नाल भेटां गावां इक पल भी ना सोवां मैं इक पल भी ना सोवां ना सोमा